हर हर महादेव। फाइनली एयरपोर्ट के दर्शन हुए 24th of September। अपन जाएंगे पेशवर जी महाराज से, रुद्रनाथ जी का ट्रैक करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड। जय बोले भाई लोगों, जय बोले। मेरे को पहचान लिया होगा आपने, थोड़ी काली कर लिया मैंने दाढ़ी तो मनीष में ये नया तैयार हुआ है, लौंडा नहीं है, भी 40 साल का है वैसे। ये पीछे सरपंच सर, और ये हमारे राठौर जी। और अभी हमने नोएडा क्रॉस करने लगे हैं, देहरादून बद्रीनाथ 498 किलोमीटर। कहाँ पहुंच गए हम? झिलमिल ढाबा है, झिलमिल ढाबा मोदी नगर, सॉरी मोदी नगर आने वाला है, उससे पहले झिलमिल ढाबा। टाइम हो गया 8:30। हाँ पता नहीं ऋषिकेश क्रॉस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वहां पे पुलिस हमें जरूर रोकेगी। और ये लड्डू लाए, ये लड्डू लाए, लड्डू तो हमारे चलेंगे आगे तक चलेंगे। भाई साहब आप क्या लाए? मैं लाए वो दो दाल लाया हूँ और एक पनीर की सब्जी लाया हूँ, सूखी वाली जिसमें गर्म पानी डालो और तैयार। मुझे मालूम था तुम कुछ लाए नहीं होंगे। अच्छा ये तीन तो सब बहुत कुछ लाए और मैं ना हवा भर के लाया हूँ, कुछ नहीं लाया मैं सीरियसली। सारे जो स्वामी लोग हैं वो सब सोने के से मूड में दिख रहे हैं। पीछे राठौर मनीष दाढ़ी कलर करके कभी अल पचीनो बने हुए हैं। आगे का सफर लंबा है तो चलते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 hours। हम लोगों को बैरिकेड पे रोक लिया था ऋषिकेश में, थोड़ा सा ट्रबलसम हो गया, बट अदरवाइज वी आर रनिंग ऑन ट्रैक। एज पर गूगल इट इज शोइंग कि 10 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे, तो देखते हैं। अभी ऐसा कोई वो नहीं है, हाँ बट वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, इससे गड़बड़ नहीं है। देख रहे होंगे सामने से रास्ता जा रहा है पहाड़ियों काट के, ये जो बोर्ड दिख रहा है फ्रंट बद्रीनाथ जोशीमठ, जोशीमठ से हमें थोड़ा सा पहले टर्न लेना है डूइंग।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है। वेल अभी चमोली पहुंच गए, हार्डली यहाँ से 15-20 किलोमीटर और है, उसके बाद कट है फाइनल कल्पेश्वर के लिए। टक 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 की आवाज़ बहुत आ रही है, रोड रोका हुआ है। एंड लुक एट द लाइंस, वी आर वेटिंग। एंड लुक एट द एरिया इज़ वेरी डेंजरस यार। मुबारक हो भाई लोगों, हम लोग कल्पेश्वर पहुंच गए। ये आई मीन लुक एट द स्माइल यार, आई मीन एक्चुअल में सही टाइम बताओ ना, कितने बजे कितने घंटे में पहुंचे हम? हम लोग टोटल मिला के पहुंचे हैं 22 घंटे में। 22 घंटे में हम यहाँ पहुँच पाए हैं और उसमें से कम 6 जगह हमें लैंडस्लाइड मिला है। सारा सर्कस करते हुए अभी फाइनली हम पहुँच के राजमा चावल उड़ाया गया और अभी टाइम हो गया 4:15। ग्रीन वैली में हमने राजमा चावल खाए हैं भाई, 50 रुपये प्लेट है। देख लो जी, वीडियो देखने का ही फायदे होते हैं, देखो है ना। सामने ऐसी वादियों के सामने राजमा चावल मिल जाए क्या चाहिए यार, है नहीं। कल्पेश्वर में सुबह सुबह धूप बढ़िया मस्त निकली हुई है। हम लोग रात में काफ़ी ठंडा हो गया था तो थोड़ा सा एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि सुबह भी ठंड रहे, बारिश हो। अभी पोहा जो था हम लोगों ने सेल्फ रेसिपी किया यहाँ पे। अब सारे लोग जो हैं, मेरा खत्म है, इनका खत्म। गर्म पानी, गर्म पानी मिला है सिर्फ। निकल लिया यहाँ होटल से, निकल लिया, आ रहे हैं। वी आर रेडी टू गो। तैयार पूरे होना है, मॉडलिंग ऐसे करने की बाबा बोले कि आ हा हा कि आए हैं कोई बेंगलोर से या दिल्ली से, ठीक है ना। बैग पैक रेडी है, जय बोले। चलो जय बोले। चलो ये है पूरी उर्गम वैली जो अभी आपने देखा। इसमें छोटे छोटे गांव, जगह जगह अलग अलग लोकेशंस पे, एक ये है, एक ही प्रधानी में सारे गांव, एक ये है, तो इस तरह से ये अलग अलग प्रधानी नहीं है, यहाँ पे एक ही प्रधानी है लेकिन छोटे छोटे लोकेशंस बने हुए हैं। और अगर आप देख पा रहे हों यहाँ से, तो सामने एक झरना आपको दिख रहा होगा छोटा सा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ये है, यहीं पे मंदिर है इस जगह पे। एक स्पेशल क्रू मेंबर हैं हमारे शिव सिंह जी, जो हमारे साथ जा रहे हैं, तो इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो शिव सिंह जी, आपका गांव का नाम क्या है? देवग्राम, यही देवग्राम से हैं ये? देवग्राम। और आपका फ़ोन नंबर एक बार बता दीजिए। फ़ोन नंबर है मेरा 94-10-50-5003। तो उम्मीद है आपने इनका फ़ोन नंबर देख लिया होगा। तो जब भी आप लोगों में से कोई भी यहां आता है तो इनसे संपर्क करें, बहुत ही बेहतरीन आदमी है शिव सिंह रावत। यह है कल्प गंगा जो कल्पेश्वर जी महाराज से निकलती है, खूबी वैली नीचे जहाँ से हमने द्विंग से टर्न लिया था, वहाँ पे इसी के ऊपर पावर प्रोजेक्ट बना है। मंदिर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर भी नहीं है, क्वाइट क्लोज है। यहाँ से जाना है हमने, यहाँ से मैंने ये यहाँ से जाना है हमने रुद्रनाथ के लिए। कल्पेश्वर टेम्पल की तरफ अग्रसर हैं अभी, इन्होंने रोड बना दिया है पूरा। मनीष और किशन कन्हैया जी हमारे पीछे आते हुए, ये हेलीकॉप्टर बने हुए हैं।
तो इनका रोल आज थोड़ा डिफरेंट है। सामने आपको मैं अभी दिखाऊंगा कल्पगंगा। दिख रहा है आशीष और रावत हमारे जो गाइड हैं वो जा रहे हैं। सामने जो झरना है ये है कल्पगंगा। यहाँ पे एक आयोजन होता है जिनको बोलते हैं, जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही या बच्चों की प्राप्ति नहीं रही, पुत्र रत्न कहना गलत होगा, उनके लिए यहाँ मेला होता है, लोग आके मन्नत मांगते हैं। उसके लिए काफ़ी फेमस जगह है ये, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। अब हम आ ही गए हैं कल्पेश्वर मंदिर, सफन सर उसकी फोटो लेते हुए जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कल्पेश्वर मंदिर के बारे में। अमेजिंग यार, बस यहाँ पे अभी हम दर्शन करेंगे, हाफ एन आवर हमें लगेगा, यहाँ पे पूजा करेंगे, मेरे ख्याल से आरती शुरू हो चुकी है। तो सामने ऊपर आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग, पिंक कलर की बिल्डिंग से दिख रही है, व्हाइट एंड पिंक, वो मंदिर है। ये कल्पगंगा जी है जो अपने फुल फ्लो में है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, थोड़ा गर्मी होती है ज़्यादा तो पॉसिबल हो पाता है। शिव जी के जटाओं की पूजा का स्थान कल्पेश्वर जी महाराज, मुख्य द्वार से एंट्री, यहाँ पर अपने हाथ पांव आप साफ करें फिर दर्शन के लिए जाएं। नाथ की यात्रा अभी स्टार्ट कर ली है, आप हमारे माथे के तिलक से पहचान सकते हैं कि हम लोग अभी कल्पेश्वर जी मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। हर हर महादेव। जस्ट अभी हार्डली हमने 150-200 मीटर क्रॉस किया होगा। और यहाँ का जो नजारा है ना, पूरी वैली आपको देखने को मिलेगी, पूरी वैली। नया रोड भी बन रहा है सामने वाले पहाड़ पे गांव के लिए, और दूर वो जो आप पक्का सा घर देख रहे हैं वो तो एक्चुअल में स्कूल है, बट उसके नीचे हम लोग ने स्टे किया था रात को, राजेंद्र गेस्ट हाउस करके। नाउ वी आर मूविंग अहेड, कल्पेश्वर से रुद्रनाथ वाला। बहुत रेयर वीडियो बनी है यहाँ की, और वो भी एक मतलब एक जो थोड़ी बहुत हमने देखी थी वो उसमें भी साउंड नहीं थी, जैसे यू कैन देयर वाज सम वीडियो क्लिपिंग्स, एंड ये वाली जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं पूरा एकदम इसमें डिटेल्ड चीज़ें होंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो रास्ते में कहाँ किस पगडंडी पे जाना है हमें। एक विलेज जो है यहाँ पे
तो शुरू हो गया है। यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं और ये आपको सामने दिखेगा मैंने झे ऊपर। अब ये एक नीचे काफ़ी सुंदर एक झरना है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पे डायरेक्शनल अप्रोच नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये जो गांव है ऊपर इसी को कैप्चर करके चलना पड़ेगा। जितने भी रास्ते आएंगे आपके डिविजन्स, जितने भी फॉर्क्स आएंगे, उनमें आपको ऊपर वाला रास्ता पकड़ना है, नीचे की तरफ नहीं जाना है। तो दिस इज़ द की एलिवेशन। नीचे रुद्रनाथ जी से बोल रहा हूँ, कल्पेश्वर जी से एलिवेशन कंटिन्यूड है और हम बराबर ऊपर चोटी की तरफ चल रहे हैं। पीछे भी आप देखिए, ये आपके टो जो हैं वो थोड़ा बेंड ही रहेंगे, और चूंकि धूप है तो पसीना भी भर के निकल रहा है, विटामिन डी तो मिल रहा है ऑफकोर्स, लेकिन पानी का इंटेक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऋषि आश्रम ये वगैरह होता है, टॉप पे जाना है। ऋषि जो टेम्पल है इसी के नाम पे ये पूरी वैली है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है, और पूरा कल्पेश्वर मंदिर है इसी के नाम से, ये उर्गम ऋषि के नाम से उर्गम वैली का नाम है। पूर्वा ऋषि टेम्पल से थोड़ा सा आगे आए हम, जस्ट थोड़ा सा आगे आए हैं, और ये जो रास्ता गया है इधर से बुग्याल से राइट साइड में बंसी नारायण, और अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो ये जो पेड़ है सूखा हुआ इसके बाद से आगे से लेफ्ट में इट इज फॉर दमुख। आप इन चीजों को देखते हैं, एक बार को तो सोच ही लोगे कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसीलिए कहते हैं। ये देखो देखो, आई होप यू गाइस कैन सी दीज बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज, और ये ज्यादा नहीं, बस ये यहीं पे ही है। अब ये लगा लो, ये जो छोटे छोटे बुग्याल थे या जो भी था, ये सब ना अभी ख़त्म हो गए हैं। धीरे धीरे अब हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डेंस भी है, वहाँ अंदर जो है थोड़ा ठंडा भी रहेगा। जंगल शुरू हो गया भाई, पानी की आवाज थोड़ी थोड़ी आपको कम हो जाएगी। ये देखिए, ये आई मीन रास्ता थोड़ा सा ना मतलब डिफिकल्ट है, देयर इज नो डाउट, तो यहाँ पे पता लगता नहीं है। लुक एट दिस, ये आगे क्वेश्चन और हमारे सपन सर जा रहे हैं, तो है दिक्कत तो है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप ये रहिए। अभी जंगल में हम लोग थोड़ा और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाँ वैसे तो पूरी पहाड़ी क्रॉस करनी है। ओह गॉड, अभी यहाँ पे हम लोग ना 10-15 मिनट का हॉल्ट करेंगे। आई मीन बहुत सही जगह है, ऑल द वे सारे लोग छोटी छोटी पगडंडियों को पकड़ के धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। वो तक जाना हमने भाई लोगों, वो टॉप दिख रहा है वो वहाँ तक जाना है। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा बहुत अरे यहाँ पे चींटी कहाँ से आ गई हाँ चींटी, पानी की आवाज़ तो आ रही होगी। अच्छा मैं जो आपको बैग में दिखा रहा था ना, है ना, वो है ये।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई लोगों, एक ये चॉकलेट, चॉकलेट बिस्किट्स, ORS का घोल और टैंग, देख रहे हो, टैंग पी पी के और चॉकलेट खा खा के हम यहाँ पे हम 10 से 15 मिनट बिताएंगे। और ये रास्ता क्रॉस करते हुए, झरना क्रॉस करते हुए, वेरी नाइस। छोटा सा बुग्याल फिर से आ गया ये, और अब ये है कि जंगल है तो डेंस जंगल, छोटे छोटे बुग्याल बने हैं। गाइड बताए उसको किधर सकता है, अभी चढ़ते चले जाना। थोड़ा सा रिवेशन था, मतलब ये जो छोटे छोटे बुग्याल आ रहे थे ना उसके बाद हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 20-1 मीटर का स्ट्रेच था। मतलब ये जो छोटे छोटे झरने हैं ना इनको तो मतलब इनका तो अंत ही नहीं है, बहुत मजा। मतलब आपको ट्रैकिंग करने में मजा आ जाएगा, आई एम टेलिंग यू। मैं यहीं से जा रहा है आगे, ये यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ये ऊपर। ये एक छोटा सा आई मीन झरना है, यहाँ पर पानी वानी भर सकते हो आप लोग, और हॉल्ट भी कर सकते हो 5-10 मिनट। अच्छा ये रास्ते में मैं बताऊँ आपको, कोई लैंडमार्क पॉइंट मिलेगा नहीं मंदिर के आगे, हाँ छोटे छोटे बुग्याल हैं, उसके बाद चढ़ाई है। हाँ ये इस टाइप का जो रास्ता है ना इसको आप फॉलो कर सकते हो, ये थोड़ा बहुत जो बना हुआ है और सेम यही फॉलो करते जाना आप लोग। ये देखिए ये पूरा ऐसे बन रहा है, ऐसे हमने कहा थोड़ा सा एडवेंचर किया जाए, नीचे नीचे वाले रास्ते से ना हम लोग डायरेक्ट आ गए शॉर्ट में और समझ। दिख रहा रास्ता ये है भाई, और डंडियाँ बनी हुई हैं, चलते रहो। अच्छा पानी 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 पानी, अभी क्या है थोड़ा प्लेन है, आई मीन इसमें ऐसी चढ़ाई में ना परेशानी कम होती है थोड़ी, तो ये इस टाइप का रास्ता मिलेगा आगे आपको, प्रॉपर बना हुआ है, नॉट टू वरी। वैसे आई नो कि लैंडमार्क नहीं है कहीं पे भी, बट स्टिल अगर ये आप रास्ता फॉलो करते रहें तो भी आप दमुक तक आराम से पहुंच सकते हैं। वेल अभी तो ऊपर तक पहुँचते हैं। फाइनली आप लोगों के लिए एक लैंडमार्क दिखाता हूँ मैं,
लुक एट द स्टोन्स, ये देखिए क्या पानी आ रहा है, गांगड़ी गौला जगह का नाम है ये आपका। हमें मंदिर के बाद जो है आपको एक परफेक्ट लैंडमार्क है ये वक्त और पहाड़ रहेगा उसके बाद। सतन सर और मनीष हमारे गाइड साहब आते हुए, हमको थोड़ा और आगे जाना है, इसके बाद जो है वो ढाल आ जाएगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा। पूरे इधर बर्फ है, बर्फ, खाना जाना मुश्किल हो जाता है इससे, पूरा पहाड़ जैसा रहता है। जो मैं आपको नीचे से जो झरना दिखा रहा था वो पानी ये रहा, यहाँ से जाता है वो पानी, यही नीचे जा रहा है। लुक एट दिस अमेजिंग, टॉप पे जाना है, टॉप पे एकदम सुबह 10:30 बजे चले थे हम लोग, अभी 3 बज चुके हैं, टॉप पे हार्डली आधा घंटा और लगेगा हम लोग पहुंच जाएंगे। We have reached on top of we have to go downstairs. पूरा नीचे जाना है हम लोगों को, वो नीचे एकदम बिल्कुल, जितना ऊपर आए उतना ही नीचे जाना है। Now we have to stay here for lunch. अच्छा ये बना रहे हैं? ये हमारा फाइनली लंच है। हमारे साथ ना थोड़ी दुखद घटनाएं होती रहती हैं, हम लोग ना अचार ही भूल गए नीचे। चूना अखाड़ा बोल दो। हाँ, चूना अखाड़ा, धुआं दकाड़ा, अट्टे की बचत, पैसों का कबाड़ा, मौसम में सुहाना। मौसम है सुहाना। ये है एक छोटा सा एरिया जहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, लोग वहाँ से आ रहे हैं चल रहे। ये पहला गांव कुंजनी पहला गांव। 10 सेकंड का ब्रेक लिया है भाई लोगों ने, चल पड़े हमारे गाइड, हम भी इनके पीछे पीछे। रास्ता बहुत खराब है, फिसलन वाला रास्ता है, तो बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है, बहुत खराब है। इतना जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा था, मतलब ठीक है, प्रॉपर ट्रैक बना हुआ था, बट ये यहाँ पे पूरा कीचड़ है, तो बहुत ध्यान से। ऊपर जो हमने लंच किया उसके बाद ये पहला हमें झरना और पहला छोटी सी एक पुलिया नज़र आ रही है। हर हर महादेव, परफेक्ट प्लेस टू हॉल्ट। हम लोग नहीं करेंगे, आपको बता दूं मैं हम लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी, ठीक है नहीं, राइट फ्रॉम देयर, वहाँ से आ रहे हैं, देयर 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 आल है, वेरी नाइस प्लेस, इट्स अ स्मॉल बुगियार एंड थोड़ा सा और नीचे जाना, नीचे एक गांव है कलगोट गांव है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, कलगोट गांव, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। दुमक मेरे ख्याल से आपको दिखेगा कि ये भी कलगोट गांव है, इसमें एक्चुअली में ये कलगोट गांव का जो है ना अपर एरिया है, कलगोट से, जय भोले, कलगोट से हम लोग 1 किलोमीटर के नियर अबाउट चल चुके हैं और बहुत अच्छा रास्ता है, आई मीन कोई परेशानी नहीं है इस रास्ते में, कितने आराम से हम सब लोग चल रहे हैं, सो इट्स वेरी नाइस। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ये देखिए पूरा रोड बन रहा है कलकोट से आगे। कलकोट से आगे एक्चुअल में एक और गांव है जहां पे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां रोड की कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं, यहां से दमुक गांव जो है वो आपको दिख रहा है जूम करके थोड़ा सा। मैंने आपको आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा रात हो जाएगा। ये जो नीचे रास्ता जा रहा है वहाँ लोग जा रहे हैं ना, और वो आप देख रहे हैं गांव, वो गांव ये एक्चुअल में जखोड़ा जखोड़ा गांव है आफ्टर कालकोट, जखोड़ा गांव का ऊपर से भी है। दिस इज द रोड विच इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे हमारे भाई लोगों, जय भोले भाई लोग, जय भोले। जखोड़ा में थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे 5-10 मिनट का, एंड आई एम वेरी सॉरी आगे जो है अंधेरा हो जाएगा, बट दमुक का इमेज मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी ना यहाँ से ब्रीफिंग कर सकता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ जाना है। यहाँ से दमुक से नीचे उतरना है, और फिर नीचे उतर के हमने वो ऊपर जाना है टोली टोली ताल, फिर टोली ताल से हमने ऊपर जाना है यहाँ पे ये जो जगह है दैट इज़ पन्नार, फिर पन्नार से फिर ये वाली पहाड़ी है पंचगंगा, ये पंचगंगा है, देन उसके बाद ये पूरा पहाड़ मतलब ये पूरा पहाड़, फिर इसको ऐसे क्रॉस करना यहाँ पे जाके आगे जाके रुद्रनाथ आएंगे। जखोड़ा से नीचे रास्ता पूरा ख़राब है और अंधेरा भी होने वाला है। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं धीरे धीरे, एंड बट विजिबिलिटी जो है थोड़ी कम होती जा रही है, अभी हमें टॉर्च जलानी पड़ेगी। टॉर्च निकाल लो अपनी। रात तो ऑलमोस्ट हो ही गई आप लोग, रात आई मीन अभी बजा है 6:30 बज चुके हैं, टॉर्च जलाएंगे। ट्रस्ट मी आई एम स्टिल ट्राइंग, कीचड़ तो है बट धीरे धीरे चलना है अभी दमुक के लिए। ऐसे ही सेट की अंधेरा हो जाएगा, पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, हमें अभी हम नीचे पहुंचने वाले हैं झरने की तरफ। वेल नाइट एडवेंचर का भी एक अलग ही जुनून है। ये ब्रिज आ गया, इसकी हमें तलाश थी, वैसे तलाश वाली बात नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि ये जो है इसे हाँ अगर दिन होता तो थोड़ा और अच्छा व्यू आता, बट स्टिल आई कैन मैनेज। ये राठौर रात का वीडियो, राठौर शक्ल दिखाना थोड़ी, नियर सपन सर, ओह माय गॉड लुक एट द व्यू। तो अब हमने धीरे धीरे चलना और दमुक तक हम पहुंच जाएंगे। उस ब्रिज से जब आप ऊपर की तरफ आएंगे, वैसे अब चढ़ाई है, ये छोटा सा आपको मंदिर दिखेगा, ठीक है ना। सो जय हो भोलेनाथ। ये जो ब्रिज है ये दूसरा ब्रिज है जखोड़ा के बाद, इट्स ऑलमोस्ट सेम बट लिटिल बिट डिफरेंट, आई मीन इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा है, बहुत आवाज़ आ रही है इसमें, बट स्टिल आई यार ब्यूटिफुल। एंड राइट नाउ इट्स 7:00, हम लोग सुबह 10:30 बजे चले थे, और ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा बिल्कुल फास्ट में एकदम ये ट्रैक किया, जस्ट सब कुछ रिलैक्स। पहला घर है ये भाई दमुक का, और
ये रोशनी सामने, ये जो आप रोशनियाँ देख रहे हैं, ये है दमक गांव, जहाँ पे हमें पहुँचना है अब हार्डली 15 मिनट्स। और दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन। ये आप जो लाइटें देख रहे हैं, ये है दुमक गांव। भाई साहब, 5-स्टार होटल का खाना खाते हैं सारे लोग। चूल्हे की रोटी है और ये बैंगन की सब्जी है और ये दाल है, प्याज है, अभी अचार और आ रहा है। सपन सर पूरा मजा लेते हुए चूल्हे की रोटी का और उसका। अब खा के बस अब सोएंगे आराम से, कल सुबह की तैयारी करनी है। जय बोले। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह के 6 बज चुके हैं और ये हम अपने लॉज की छत पे आ गए हैं। ये आपको गांव का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है दुमक गांव है। मैं ये इस गांव में ना नेटवर्क आता है और सिर्फ, हाँ ये है कि बिजली जो आई है वो भी आई है 4 से 5 साल पहले ही आई है। बस ऐसी हालत हो गई थी कि रात को नींद प्रॉपरली आई नहीं, टू बी फ्रैंकली। सब लोग कह रहे थे कि ये 14 से 15 किलोमीटर है कल्पेश्वर से दुमक, बट हमने जो कैलकुलेशन लगाई थी स्मार्ट वॉच और गूगल मैप के अकॉर्डिंग, तो वो अप्रॉक्सीमेटली दिखा रहा था 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जो है हमारी हमारे हिसाब से है, बाकी यहाँ के बोलते हैं कि 14-15 किलोमीटर है यहाँ से। अब हम लोग जो है सामने वाली पहाड़ी की तरफ चलेंगे यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ से होके इधर पन्नार से फिर आगे हम लोग, ये आपका पंचगंगा एंड देन पंचगंगा से होते हुए उस साइड रुद्रनाथ जाएंगे। जय बोले, जय बोले, हर हर महादेव। इट्स अबाउट 8:00 मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग अहेड टू पन्नार। और आज पार्ट 2 का जो वीडियो है सर को हैंड ओवर मिल रहा है, सो ओवर टू यू सर। थैंक यू। सो गाइज वेलकम। अब हम यहाँ से, गांव का नाम दुमक है जैसा मनीष ने आपको बताई दिया था, अभी हम लोग यहाँ से टोली बुग्याल, जो सुबह इससे पहले वाले क्लिप में आपको दिखा होगा, तो वो हम लोग कवर करेंगे। वहाँ पे खाने की व्यवस्था है एज ऑफ नाउ, अभी इस समय तो खाने का कोई इशू नहीं होना चाहिए। पानी इज़ भरपूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भंडारी पेइंग गेस्ट हाउस हम लोग यहाँ पे रुके थे और खाना बहुत ही बढ़िया, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे जो एक शॉर्टकट है, जो पुराना पुल हुआ करता था, वो बारिश में टूट गया, अदरवाइज दिस कुड हैव बीन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस टू रुद्रनाथ जी। आपको पनार जाने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे आप जा सकते थे। डाउन ग्रेडियंट इज स्टीप, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा और शूज़ का बहुत ध्यान रखें। सेलेक्शन ऑफ शूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ट्रैक। आपका ग्रिप, स्टेबिलिटी ऑफ द फुटवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब ये जो नीचे का सरफेस है वो बहुत ही टर्बुलेंट है और काफ़ी चिकने पत्थर हैं, बिकॉज ये बारिश और सारी चीज़ें जो हो पानी की वजह से सभी कट जाता है, तो बी केयरफुल। अभी दुमक क्रॉस करके एग्जिट पॉइंट, और ये सामने जो रेंज दिख रही है आपको, दिस इज़ द मेन टारगेट फॉर अस। और मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मैं किनारे पे जाने से थोड़ा डर रहा हूँ, बुरी लग रही है, बट ये नीचे पंचगंगा का पार्ट है। इसी के ऊपर पुल बनाया था जो कि अभी टूट गया, अभी गांव वालों ने 2 लट्ठे उस पर डाल दिए हैं। और शिव सिंह जी हमारे साथ तैनात हैं, जुड़े रहिए।
हरि ओम जय भोलेनाथ। हम लोग अभी चलते चलते डाउन ट्रैक करते करते ये पंचगंगा नीचे बीच से पेड़ों के बीच से आपको क्या नज़र आ रही है आवाज़ सुनाई दे रही है, तो बिल्कुल बॉटम में आने के बाद में आपको फिर से अपराइज कर चढ़ना है जब आप पहुँचेंगे टोलीटाल। तो ऑफ कोर्स भगवान से लगता है रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भगवान थोड़े से शॉकर और बढ़ा देता पाँव में, क्योंकि रोड तो मतलब रास्ता तो ट्रैक तो है ही नहीं, सिर्फ पत्थर हैं जिन पे आपको मैनेज करना है। और ये एक ब्रिज दिख रहा है आपको, प्रॉबेबली हमें ऐसे ही पार करना है। ये बारिश में जो ये लट्ठे आपको दिख रहे हैं ये गांव वालों ने डाले थे, सोचा था कि पार कर पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है और एडवाइजेबल भी नहीं है तो कोई भी इस काम को करे, इवन लोकल लोग भी नहीं कर रहे ऐसा। वो यार सामने लट्ठा जो है वो बह के फिर से आधे तक पहुँच गया। हर महादेव, हर हर महादेव। रेस्ट लेते हुए यहाँ पर थोड़ी देर, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया है गांव से गुमक से, और बीच में पुल पड़ा था जिसको हमें क्रॉस करके पंचगंगा बेसिकली हमने क्रॉस करी थी, और अब हम जो डाउनहिल था वो ख़त्म होने पे है, अब अपहिल शुरू होने की बारी है और यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है, तो धूप छाँव चलती रहेगी, फिर हम पहुँचेंगे टोली बुग्याल अप्रॉक्सीमेटली लंच के आसपास टाइम। झींगरों की आवाज़ें, नदी की आवाज़, ये अलग अलग टाइप का म्यूज़िक जो है आपको सुनाई देता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जो सामने दिख रहा है, पानी का जो म्यूज़िक है, ये लोग कैसे खरीदते हैं इसको सुनने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और यहाँ पे ये नेचुरल है। दुमक से निकले थे सुबह 7:30 बजे,
और अभी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। तो एक छोटा ये बुग्याल है पीछे, जो कि पंचगंगा का जो पुल है जो बना हुआ है उसके बाद आता है अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर के बाद में। तो यहाँ पे ऐसा कोई लैंडमार्क तो है नहीं, तो इन छोटे छोटे लैंडमार्क्स को ही आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है टोली बुग्याल, तो अब हमें यहाँ से टोली बुग्याल की तरफ चलना है। एलिवेशन जो है वो अच्छा खासा है, ये हर थोड़ी देर में कुछ सीढ़ियाँ आ जाती हैं और उसके बाद में फिर से चढ़ाई, तो स्टेमिना रिटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। नीचे जो बुग्याल था उसके बाद में एक छोटा बुग्याल, इसमें काफ़ी सारे पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये दिखेगा, ये भी दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क जो आपको विजिबल होगा। यहाँ पे एक प्रोमिनेंट इशू है, जोंक चिपक जाती है, तो उसका आपको ख़ास ख्याल रखना है। चलते समय अपने जूतों को कपड़ों को थोड़ा सा देखते रहना है, नहीं तो पूरा खून पीने के बाद ही छूटेगी। बुग्याल है जो नीचे, एक बुग्याल छोटा देखा था, पत्थर ही है तो यूज़ेबल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा फ्लैट सरफेस है। अभी एक छोटा सा स्पेस और है जहाँ पे पंचगंगा का पानी आपको दिख रहा है, यहाँ पे छोटा हॉल्ट लेने का। अल्टीमेट ये एक और बुग्याल है जो नीचे आप देख के आ रहे हैं, तो आइडियली 2-3 बुग्याल हैं जो यहाँ पे पड़ते हैं। इनके नाम बहुत ज़्यादा कोई प्लेस नहीं किए हैं लेकिन एग्जिस्टेंस है। चलते चलते अभी 11:30 बज गया है, टोली अभी भी थोड़ा दूर ही है, चलते जाइए, बस महादेव का नाम लेते जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पानी लगभग सभी जगह अवेलेबल है लेकिन खाने पीने का इंतज़ाम सिर्फ टोली बुग्याल में मिलेगा आपको। टोली बुग्याल, अगर ट्रैक मेजरमेंट करें तो डिफ़िकल्ट ट्रैक है। हम लोग अब, ये एंट्री है टोली बुग्याल की, सामने जो रेंज दिख रही है
हमें वहां तक पहुंचना है टोली को क्रॉस करके। ह्यूमिडिटी और पसीना इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। बॉडी का जो वाटर लॉस है एक्सट्रीम पे, और ये बुग्याल की एंट्री है जो आपको सामने दिख रही है। यहाँ पे काल है जो काफ़ी फेमस है। दिस इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ऐसा गमक के लोगों ने बोला कि यहाँ पे बर्फ़ और सारी चीज़ें पूरा भरा हुआ होता है बर्फ़ से ही बुग्याल। सो हम लोगों का प्लान है यहाँ पे लंच करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो व्यू है यहाँ का, अमेजिंग व्यू है। सामने आपको लेक दिख रही है, ब्यूटीफुल। द व्यू इज अमेजिंग, आई मीन अमेजिंग। लुक एट द व्यू, स्विट्ज़रलैंड हो कुछ हो सब फेल है इन सब चीज़ों के आगे। क्या जगह है यार ये तो ऐसे ना निकल जाए ऐसे। ये जो ब्लू कलर की हेड दिख रही है ये है खाने का स्टैंड, खाने के लिए। और ये हमारे मनीष बाबू आउट ऑफ एक्साइटमेंट बनाते हुए वीडियो। सामने ग्रीन कलर का जो हट दिख रहा है वो है वन विभाग का, तो जो गेस्ट हाउस है बेसिकली। ये डायरेक्शन है यहाँ, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक पगलेट तो पागल ही हो चुका है, वो देखो दिख रहा है आपको, वो पागल हो चुका है। ये जो ब्लू कलर की हट दिख रही है ये है खाने का एस्टेब्लिशमेंट, और ये हमारे मनीष बाबू आउट ऑफ एक्साइटमेंट बनाते हुए वीडियो। और सामने ग्रीन कलर का जो हट दिख रहा है वो है वन विभाग का, तो जो गेस्ट हाउस है बेसिकली। एंड ये डायरेक्शन है जहाँ से हम चढ़ के ऊपर आए हैं, वो सामने जो रेंज दिख रही है उनको पूरा पार करने के बाद में। नाउ गोइंग बैक, इस हट के बाद राइट साइड में ये रास्ता है जो ऊपर ऊपर जाएगा, और जहाँ पे ऊपर टॉप दिख रहा है जहाँ बादल दिख रहे हैं, दिस इज पनार। तो हमें यहाँ पहुँचना है, और ये नीचे नीचे रास्ता है जो ग्रीन लैंड दिख रहा है, इसमें छोटी छोटी पगडंडियाँ आपको दिख रही होंगी जो कि ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग होते हुए ये यहाँ पहुँचेंगे। टोली बुग्याल में ये सामने सिंगल ऑप्शन जहाँ पे आपको खाना मिलेगा, अदरवाइज़ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो अपना टेंट लेके आएँ और खाने पीने का सारा सामान लेके आएँ, अदरवाइज़ दिस इज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। सो एंजॉय द फीस्ट हियर, और उसके बाद में आगे की यात्रा को कमेंट्स करें। तेर पा को बारमासा, तेर पा को बारमासा, तेर पा को बारमासा। डोसा और चावल अचार, खीरा पहले निपटा दिया गया, तो ये भाई ने बनाया है। जय बोले भाई, जय शंकर। टोली बुग्याल से हम लोग निकले हैं अभी खाना खा के। ये सामने लेक के दूसरी तरफ जो रॉक स्ट्रक्चर और पहाड़ दिख रहा है अपने को, इस पे चढ़ना है। अभी मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अभी फिर से धूप आ गई है। लेट्स सी हाउ इट रोल्स। ये
हम लेक के दूसरी तरफ है और जो बोल्डर्स वाला एरिया है ये यहाँ तक अपने को लेके आएगा एंड देन वील कैरी ऑन टू दी अपहिल। वो जो पीछे ये जो टॉप दिख रहा है ऊपर ये एक्सट्रीम है, इसके इसको अचीव करने के बाद में 1 किलोमीटर स्ट्रेट अपने को थोड़ा सा आगे आना है जहाँ मनीष बैठा इसके जस्ट सर के ऊपर, यहाँ पे पनार है। रास्ता यहाँ तक का अच्छा खासा डिफिकल्ट है, अभी भी हमें एक्चुअली रास्ता है ही नहीं, बोल्डर बोल्डर हैं सारे और ये समझ में नहीं आ रहा था पाँव कहाँ रखना है। सब तरफ से बारिश की वजह से झरने बह रहे हैं, स्लिपरी है, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस, बट ऑफ कोर्स बाबा ने बुलाया है तो पहुँचना ही है। जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हम लोग पहुँच रहे हैं हंस बुग्याल जो कि पनार से पहले है। रास्ता तो है नहीं, लग गई है भाई। ये एक फ्लैट स्पेस है विदाउट एनी एस्टैब्लिशमेंट बट गुड टू रेस्ट। ये पूरा बुग्याल है ग्रीनलैंड। ठंडक शुरू हो गई हल्की हल्की, ऊपर से थोड़ा फॉगी होना शुरू हो गया, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट दिस इज ऑल अबाउट दी हंस बुग्याल। स्टे हेयर फॉर couple of minutes and then we'll move। ये नीचे हंसा बुग्याल था, उसके बाद में एक छोटा सा ये बुग्याल और है, इसका कोई नाम नहीं है तो उसको लोग इसको भी लोग हंसा बुग्याल में ही जोड़ देते हैं। ये भी एक लैंडमार्क है, यहाँ से जो ऊपर दिख रहा है ये जंगल है और जो टॉप लाइन दिख रही है ये हम टॉप पे पहुँच जाएंगे जो सामने लाइट दिख रही है। तो कमेंट्स कर रहे हैं, रास्ता है, अब इसको रास्ता बोलो या पत्थर बोलो या चट्टान बोलो, और ऐसा ही सब कुछ नीचे, सब कुछ ऐसे ही है। ये पिछला 14 किलोमीटर और एलिवेशन 55 to 60, मतलब आपकी लग जाएगी 60 कहीं 70 कहीं। विल पावर नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या आता है। आजो, जय बोले, जय बोले। ये जो छोटा सा वाइट डॉट दिख रहा है ये टोली बुग्याल का वन विभाग का गेस्ट हाउस है, जहाँ से हम जहाँ से 2 बजे चले थे हम खाना खा के। नाउ द टाइम इज 5 o'clock हो चुका है, ऑलमोस्ट टॉप तक पहुँचने में 500 meter डिस्टेंस बाकी है, रेस्ट वी हैव कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 14 kilometers वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बिफोर पनार। तो पनार तक 15-15.5 kilometers का स्ट्रेच है, वो भी पता लगेगा, वो भी आगे ही मालूम पड़ेगा, अभी तो एंटिसिपेशन है। बिल्कुल एकदम नीचे से कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, हालत घुटनों की एकदम चकनाचूर। हर हर महादेव। पनार पहुंच गए हैं जी, समय 5:15 इज द टाइम और एलिवेशन की तो बात करना ही बेकार है बिकॉज
सोचना गुम हो जाता है। अब ये पनार का जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिख रहा है हमको। अब देखते हैं खाना और रहने का क्या जुगाड़ बनता। ये व्यू है दुमक पनार से, यह आपको नजर आएगा सनसेट के टाइम पे, स्पेशली जो ये कौन सी पीक है, ये हाईलाइट है। ओ देखो बादल कैसे आ रहे हैं सर, एक फोटो दिखाता हूँ तेरे को, ये देखो पनार पे जो कैंपिंग साइट थी उसको शिफ्ट करके हटा दिया गया है और अब जो है उन्होंने वन विभाग एंड कंपनी ने उसको थोड़ा लिट्टी वाले जो बिल्कुल रास्ते पे सगर की तरफ जो आप जाते हैं पनार से उस तरफ मूव किया है। तो फॉग इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब कुछ विजिबिलिटी है नहीं, अंधेरा भी हो गया है, 6 बज रहा है। हम लोग 2 बजे टोली से निकले थे तो एफर्ट लगा लेकिन हमारे जो गाइड साहब हैं शिव सिंह जी उनकी मदद से हम लोग टाइम से पहुंच गए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अब शायद टॉर्च की रोशनी में एक बार और वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा, बट मुश्किल है क्योंकि विजिबिलिटी पुअर है, कोहरे में टॉर्च से भी नहीं दिखता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बाकी जब खाना वाना खाने बैठेंगे तो ऑफ कोर्स पनार को थोड़ा आप लोगों से फिर से बात करेंगे। पनार के टॉप पे हम लोग पहुंच गए हैं, वो धुंध, टेम्परेचर इज डाउन, तो चूँकि अभी चल रहे हैं तो शायद इसलिए इतना महसूस नहीं हो रहा, बट हाँ ठंडा हो चुका है। और आशीष मनीष आगे हमारे बिल्लू बाबू जो क्यूरियस जॉर्ज जॉर्ज के नाम से जाने जाते हैं वो आगे जा रहे हैं। Yesterday night we stayed there. हम लोगों को भगवान की दया से यहाँ पे रहने को मिला, बिकॉज रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बिजली की आवाज़ आ रही थी कि डर लग रहा था। सो वी आर लकी, सुबह हो चुकी है, सुबह की पहली किरण। और इधर आपको मैं कुछ दिखाने की तो खाना कहाँ खाया था हमने, ऐसे दिख नहीं रही वो हट्स। यहाँ पे डाउन में जाके थे 2-3 टेंट्स लगा रखे हैं, वहाँ पे हमने खाना खाया।
पनार का व्यू मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और अपन यहाँ पे नाश्ता करके भी रेडी हो गए, वी आर गोइंग फॉरवर्ड। अब थर्ड डे का जो दारो मदार है वो हमारे जो साथी हैं आशीष राठौर जी, उनके ऊपर है। तो ओवर टू आशीष जी, अब ये जितने भी वीडियोस होंगे वो आशीष जी आगे कवर करेंगे। यहाँ से हमने आज दिन तीसरे की यात्रा शुरू करी है, चीटी चीटी। और हम आगे, अगला स्टॉपेज हमारा पितृधार होगा, वहाँ पर हम जो यहाँ के जो यहाँ से 4 किलोमीटर के अप्रॉक्स है वो हम तय करेंगे। बर्फ से लदे पहाड़ यूं लगता है जैसे रुई की तरह किसी ने सजा दिया हो। किस्मत वाले ही होते हैं लोग जो यहाँ तक आ पाते हैं। भक्तगण विश्राम करते हुए थोड़ी देर। जय बोले, जय बोले। बाबा ने भक्तों के लिए बरसातों के लिए शेल्टर बना रखे हैं, नेचुरल शेल्टर्स, कि जहाँ पे आदमी बरसात से बच सके। कहाँ जाए तो अभी तक के ट्रैक की सबसे अच्छी रोड मिली हमें, जो पनार टू रुद्रनाथ जा रही है। बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली इन गगनचुंबी पहाड़ों को देखते हुए। दो किलोमीटर आ गए और 6 किलोमीटर और रह गया है बाबा जी का घर। और आई डोंट नो यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा, बट यहाँ से जो यू कैन सी देयर, ये टोली ताल है जहाँ से हम लोग आए थे कल सुबह, कल दिन में। एंड दिस इज द ओवरऑल व्यू। इसके पीछे जो है वो पनार है, बट इट्स अमेजिंग। नाउ आप समझ सकते हो हम लोग कितनी हाइट पे हैं कि जहाँ से हम ये चीज़ देख पा रहे हैं। और ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है बिल्कुल शायद बहुत दूर से दिख रहा होगा, इसको हाथी पर्वत कहते हैं। और ये है, ये चौखंबा है। आपको इसका साइड का व्यू दिखेगा ना तब आपको पता लगेगा इसमें 4 पहाड़ हैं, इसलिए इसको चौखंबा कहा जाता है। और यहीं पीछे वो त्रिशूल है। ये रास्ता वो जो टोली ताल की तरफ से आ रहा है, और ये रास्ता वो जो पहाड़ के दूसरी तरफ जा रहा है। अनसुईया मंदिर, अनसुईया मंदिर दिखा सकते हो आप? वो अनसुईया मंदिर, वो गांव में बीच में पेड़ है, वो इसके नीचे मंदिर है। अभी हम पहाड़ के इतने टॉप पे हैं कि हम लोग दोनों साइड का व्यू देख सकते हैं। देयर आल्सो ये पहाड़ आ गया, अभी हम बिल्कुल टॉप पे हैं। पहाड़ के पीछे उस तरफ पीछे हो गया वो, यहाँ से हम लोग तो मतलब हम वहाँ से वहाँ जाने की बजाय
वहां से ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं। वो रहा टोली ताल। ये लो जी, जय बोले। ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा झंडा सा, वो पित्रधार है, ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर के आसपास होगा। अब हम वहाँ रुकेंगे चल के और पूजा करके फिर रुद्रनाथ के लिए चलेंगे। हर हर महादेव। हर महादेव। पित्रधार जो कि पनार से 4 किलोमीटर है और मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ट्रैक है। क्लियर दिख रहा है, क्लियर। वो वाला ना सोदार वाला सुरंग का पेड़ दिखाई दे रहा है उसके बगल पर भी। डुमक दिख गया भाई। कौन सा? यहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट था जहाँ पे हम लास्ट टाइम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, वो वन विभाग ने हटा दिया। पित्रधार से चल पड़े हैं। अगला जो हमारा पड़ाव है वो पंचगंगा, जहाँ पे भक्त लोगों का प्लान बन रहा है कि वहाँ पे नहाएंगे। देखते हैं कितना हो पाता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सारे भाई लोग अब नहा के अब यहाँ से भोलेनाथ के मंदिर की तरफ बढ़ चलें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये एक जो रास्ता आता है रुद्रनाथ जाने के लिए वो पर वाला डुमक से, डुमक से वो इधर से आके ये इधर से होके ये पंचगंगा पे यहाँ पे निकलता है। ये भी एक रास्ता है, फिलहाल ये बंद है क्योंकि नदी पे से जो पुल था वो टूट गया और नदी में इस समय पानी बहुत ज़्यादा है तो यात्री उस पे से निकल नहीं सकते। कोहरा एटमोस्ट, मंदिर छुप गया, बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है तो अपने को भागना पड़ेगा। विजिबिलिटी काफी कम। हर हर महादेव। जय भोले। हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लाडर उस साइड जा रहा है। देव दर्शनी का मतलब देवों के दर्शन, उसे जो कि यहाँ से वो आपको ऊपर दिख रहे होंगे बादलों से नीचे मंदिर, वहाँ पे देव के दर्शन होते हैं, पहले दर्शन होते हैं यहाँ से,
इसीलिए इस जगह का नाम देव दर्शनी है। पंचगंगा से चलते हुए अब हम रुद्रनाथ महादेव के द्वार पे आके जय भोलेनाथ जय जय पहुंच गए और 4 बजे हम बाबा के दर्शन करेंगे, उनकी उनका आशीर्वाद लेंगे और उनको धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने सफलतापूर्वक यात्रा हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी ये रैन बसेरा मंदिर के सामने, ये मनीष बाबू इधर पड़े हुए हैं साइड में। हर हर महादेव। बाकी खाना हम लोगों ने खा लिया, दाल रोटी और सब्जी। प्लानिंग सुबह की भी करी है। मंडल का रास्ता काफ़ी इस समय ख़राब हो रखा है बारिश की वजह से, तो विल बी फॉलोइंग पनार एंड लिट्टी बुग्याल, मौली खड़क, पुंग बुग्याल एंड देन सगर। फिलहाल अभी साइन ऑफ करते हैं, कल सुबह मिलते हैं एक अच्छी गुड मॉर्निंग के साथ में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सुबह आई थिंक पौने 6 हो चुके हैं। अभी रुद्रनाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है रुद्रनाथ जी का मंदिर पीछे, और सुबह का कुछ इस तरीके का व्यू है। बहुत ही सुंदर है। नीचे आपको ये छोटा सा कुंड दिख रहा होगा, ये पार्वती कुंड है। और हम लोग जहाँ स्टे कर रहे थे वो नीचे, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे, ब्लू लास्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हट है, उसके बाद एक और हट बनी हुई है, वहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाबा की बहुत कृपा रही जो हम लोग आज दर्शन करने दोबारा सुबह सुबह आ गए। बस सब बाबा का आशीर्वाद है। पीछे मेरे मंदिर है जो आपको दिख रहा है, बस यही तक आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँगा मंदिर के बारे में। आप आए यहाँ पे खुद दर्शन करें और भक्ति आनंद लें। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अगमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ा, झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्रमा के पैसाजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिव धारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा।
रास्ता जो है रिटर्न में जो आपको ये झंडे के पास से दिख रहा है ये दिस कम्स फ्रॉम रुद्रनाथ जी और यही रास्ता टर्न होके ये नीचे की तरफ जाएगा तो आप सगर चले जाएंगे और अगर इसी को डाइवर्जन लेके सामने जाएंगे जो कि कल हम लोग रात में नहीं देख पा रहे थे तो आप जो हमारा पुराना रास्ता था उर्गम वाला जो है ये उस तरफ निकलना टोली बुग्याल की तरफ जाता है। भाई हमारा जो है पिछली बार जब रुद्रनाथ आए थे मैंने जिक्र भी किया था पिछले वीडियो में कि मेरा बैग छूट गया था यहाँ पर और 37 मिनट्स में ये बंदा जिस स्पीड से रॉकेट की स्पीड से जो हमें तय करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे 37 मिनट्स में ही वॉज देयर विद माई बैग। तो इनके हम बड़े आभारी हैं। आज दोबारा इनसे मुलाकात हुई तो बड़ी खुशी हुई। ये जगह जो है ये मौली खड़क है और यहाँ पे इनका पूरा एस्टेब्लिशमेंट है। भाई अपना फ़ोन नंबर बताओ। 7830158449। हाँ तो ये इनका फ़ोन नंबर है। जब भी आप आएँ इनसे मुलाकात करें, बढ़िया खाना खाएं और ऐश करें। जय बोले। मुझे सामने एक पैच दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये है पुंग बुग्याल और उसके बाद में नीचे जो विलेज दिख रहा है ये है सगर। ये है फाइनल डेस्टिनेशन इस ट्रैक का जो एंड है वॉकिंग। यहाँ पे अगर कोई समिति वगैरह इस पुल को ठीक कराई क्योंकि यही एक पुल था जो जाने लायक था। अब इन्होंने एक अल्टरनेट रास्ता पत्थर के ऊपर से साइड से बना दिया है। ये पुल टूट चुका है बारिश में तो देखते हैं इसका कब तक निर्माण होता है। दूसरा अल्टरनेट रास्ता नीचे से हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ही खराब हो चुका है, हम लोग बाग यहाँ से आ रहे हैं तो वेरी हार्ड टू मेक द क्लिपिंग्स आल्सो इन सीरियस। पूरा डैमेज हो चुका है और छोटा सा रास्ता है यहाँ से। पनार बुग्याल पे चाय पीने के बाद में अब हम कमेंट्स कर रहे हैं नीचे गांव की तरफ सगर। तो ये एग्जिट पॉइंट है पीछे ऑपोजिट टू दी मेन वैली। फाइनली मेरी शक्ल से आप देख सकते हैं दाढ़ी के बाल हल्के हल्के वाइट हो गए हैं और शक्ल भी काली हो चुकी है। हम लोग बैक टू पवेलियन हो चुके हैं राजेंद्र दा ढाबा और अपनी शक्ल दिखाना भाई। ये तो पहले से ही था फिर क्या कह सकते हैं। ये इनकी नीचे 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 दाढ़ी निकल चुकी है और ये हम तो एज इट इज लग रहे हैं। और ये देवेंद्र नेगी इनकी गाड़ी करके हम लोग आए। आज क्या है डे? थर्सडे। गुड मॉर्निंग। थर्सडे है और हमने सैटरडे को स्टार्ट करी थी। संडे मॉर्निंग में स्टार्ट करी थी और थर्सडे को अभी है दोपहर को हमने ये कंप्लीट किया है। अब 3 बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली और शिमसिक जी जो हमारे साथ थे वापस थैंक यू वेरी मच गाइस।